दोस्तों क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन एकदम सही बात है, और इसके लिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड किसी को उधार देने की जरूरत नहीं है और ना ही इससे काफी ज्यादा शॉपिंग करना है। बस आपको एक डिसिप्लिन तरीके से अपने कार्ड का सही इस्तेमाल करना है और फ्री में पैसे कमाएं। दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका इस्तेमाल ज्यादातर शॉपिंग करने, बिलों का भुगतान करने, इन सब चीजों के लिए ज्यादा करते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड को लेकर लोगों के मन में कई सारी गलत फहमियां भी हैं, जैसे कि इससे तो इंसान कर्ज के जाल में फंस जाता है, इससे हमारे खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं और क्रेडिट कार्ड कंपनियां गलत तरीके से ब्याज वसूल करती हैं, ऐसी ही ना जाने कितनी बातें हैं। इन सब गलत फहमियों को ही दूर करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि क्रेडिट कार्ड किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको एक तरह से 30 से 45 दिनों का एक इंटरेस्ट फ्री लोन देती हैं, यानी कि इस दौरान आप अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खर्च कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी बिल जनरेट करती है और फिर एक तय दिन यानी ड्यू डेट पर इसे चुकाने को कहेगी, और अगर आप इस बिल को उस दिन या उससे पहले चुका देते हैं तो आपको इस पर कोई भी ब्याज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। ऐसे में आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि फिर ये बैंक फ्री में क्रेडिट कार्ड क्यों बांटते हैं। तो इसका जवाब ये है कि बैंक मर्चेंट से आपकी खरीदारी या बिल पेमेंट का कुछ चार्ज या कमीशन लेते हैं, और साथ ही अगर आप समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पाते हैं तो इस पर भी वो भारी भरकम ब्याज वसूल करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि हम क्रेडिट कार्ड से कमाई कैसे कर सकते हैं। तो इसका बेसिक फंडा है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल डिसिप्लिन तरीके से करना है। जैसा कुछ सैलरी मिलती है लेकिन आप अपने महीने के सारे बिल और खर्च क्रेडिट कार्ड से करते हैं। इसमें EMI और मकान का किराया जैसी चीजें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन राशन का खर्चा, बिजली और पानी का बिल, रेस्टोरेंट में खाने का बिल, मोबाइल का बिल, यानी कई सारी चीजों का पेमेंट आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। क्योंकि सैलरी का सारा पैसा आपके पास है तो आपके पास पहले से ये रकम मौजूद है, जिससे आप 40 से 50 दिनों के बाद क्रेडिट कार्ड का बिल चुका देंगे, और इस दौरान आप अपनी सैलरी के इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है, और शेयर बाजार में तो इन पैसों को भूल कर भी इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें ऐसी जगह करना है जो एकदम सेफ हो और समय पर हमें अपना पूरा पैसा ब्याज सहित वापस मिल जाए। आप अपने इस पैसे को बैंक में 45 दिनों के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, इस पर आपको अच्छा खासा ब्याज मिल जाएगा, तो इससे भी हमारी अच्छी कमाई हो सकती है। क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने का दूसरा तरीका है नो कॉस्ट EMI से कमाई। दोस्तों कई मौकों पर क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपने कस्टमर को नो कॉस्ट EMI का ऑफर देती है, तो आप इन ऑफर से अपने जरूरत का सामान खरीद कर कुछ कमाई कर सकते हैं। जैसे कि आप एक लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए है और ये अमाउंट पहले से आपके पास है, तो आप इस पैसे को FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं और नो कॉस्ट EMI से लैपटॉप खरीद सकते हैं। यहाँ पर भी हम FD से ब्याज की कमाई कर सकते हैं, लेकिन ये कमाई तभी होगी जब आपके पास पहले से वो रकम हो जो आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं, और दूसरा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल की पूरी रकम चुकाएंगे और मिनिमम पेमेंट के चक्कर में आपको कभी भी नहीं पड़ना है। वैसे इससे कमाई का एक और तरीका है कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स। दोस्तों की क्रेडिट कार्ड कंपनी अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर रिवॉर्ड पॉइंट देती है, तो इन्हें रिडीम करके भी आप कुछ कमाई कर सकते हैं। ऐसे एक दूसरा तरीका है कैशबैक। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनियां बिजली, पानी और मोबाइल का बिल भरने पर कैशबैक देती हैं, तो इससे भी आपकी कुछ कमाई हो सकती है। दोस्तों इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि क्रेडिट कार्ड के बिल का टाइम पर पेमेंट करने से आपका सिविल स्कोर भी सुधरता है, और फ्यूचर में आप जब कभी भी बैंक से लोन लेने जाएंगे तो आपको ब्याज दरों में थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड से उन लोगों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है जो इसके बिल का टाइम पर भुगतान नहीं कर पाते, तो इसलिए आप जब भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें तो मिनिमम पेमेंट बैलेंस को तो भूलकर भी ना देखें, यानी कि आपको क्रेडिट कार्ड के पूरे बिल का भुगतान एक बार में ही करना है, और साथ ही नो कॉस्ट EMI की टर्म एंड कंडीशन को भी ध्यान से देखें, और साथ ही आपको एनुअल फीस का भी ध्यान रखना है कि कार्ड अपग्रेड करने के नाम पर कहीं कंपनियां एनुअल फीस तो नहीं बढ़ा रही। वैसे आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दे रही हैं, यानी कि उनकी एनुअल फीस नहीं लगती है, तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।